तो चलो दोस्तों आज करते हैं स्कूल की सैर, आपको हम आपके मतलब की जो राज कैंट वगैरह रहा थी उसका वर्णन कराते हैं। चलो तो चलते हैं आगे। तो जैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ से बहुत दूर है, और वैसे आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटीजी रांती में। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आए चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राजकीय इंटर कॉलेज रांथी स्कूल। तो स्कूल तक कैसे पहुंचे तो देखते रहिए, आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये नीचे बोरा गांव भोल क्षेत्र स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज रांथी। यहां से गेट है जो ऊपर जाता है। तो करते हैं दोस्तों स्कूल के छात्रों से बात। तो आप लोगों का पेपर कैसा गया ये बताओ? बढ़िया एकदम। पास होने की उम्मीद है? मेरिट में आएंगे सर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बताइए? अच्छा लग रहा है मुझे। खुशी के मारे आसमान के चेहरों पर तो ये है राजकीय इंटर कॉलेज रांथी के 10 के बच्चों की मतलब कि हम पास हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं 11 के लिए। तो आपको मिलते हैं आरटीजी चैनल पे, शेयर किया जाएगा, चिंता मत। आपको YouTube पे सर्च कर लेना मतलब कि आरटीजी रांथी, वहाँ आपको ये वीडियोज मिल जाएगा। तो कैसा लग रहा है भानी जी आपको मतलब कि? बहुत बढ़िया लग रहा है मामू जी हमको। तो आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बार प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर दें। या तो आपकी जो जिंदगी है उसकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं हम। धन्यवाद, मिलते हैं अब। तो ये बच्चे हैं स्कूल के, आरटीजी रांथी पे आप मिल सकते हैं। भटजी भटजी तो आपका पेपर कैसा गया ये बताइए हमें। बहुत अच्छा गया। बस जा रहे हैं, चलिए चलिए देखिए किस प्रकार से गांव में मतलब कि धान की गुड़ाई की जा रही है। वाह, ये देखिए किस प्रकार से पसीने, और ये जो व्यू है देखिए रांथी गांव का। हाय, अब हम पहुंचने लग गए। यहां से गांव का नज़ारा देख सकते हो, कितना बढ़िया व्यू है। वो जो आगे वो हिमालय ओम पर्वत, ये जो सामने दिख रहा है वो नेपाल है, ये पूरा नेपाल है। वार इस साइड इंडिया हुआ, उधर साइड नेपाल।
और ये देखिए गांव का व्यू कितना ज़बरदस्त है, और ये पहाड़ के घर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए क्या सुंदर ज़बरदस्त घर बनाया है। ये है पहाड़ी लोगों के घर, और हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। और ये रांथी गांव का नज़ारा, वो सामने जो दिख रहा है वो नेपाल है, इस साइड इंडिया, ऊपर तरफ। की करना आ रहा है घाम माले, ये पान माले, ये घाम माले इतनी बुढ़िया दिन गल्ला जा, घर में रहो सस्ते। भट्ट तो नहीं आ रहा है ना, सोयाबीन भट्ट, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यह हम पहुँचने वाले हैं चंपानी, जहाँ आयुर्वेदिक गांव के लिए सामान्य हॉस्पिटल है। और बोलो बोलो हकीकत वास्ता रुख है, रुख बच रहे अटपुर अब अच्छी अच्छा। एक बार ऐसे यहाँ रहते हैं ये नहीं लगा ही रहा मणवा होणवा तो। चंपाड़ी बांसा बोलते हैं। और ये देखिए अब लगने वाले नारंगी, अखरोट, संतरा, माल्टा, पुलुम तो पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, नहीं तो यहाँ पे चोरी बहुत करते थे हम। और यहाँ से जो आगे का रास्ता जाएगा वो पटामाणो मंदिर। हम पहुंच गए, ये है सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल रांथी। से 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लगभग 100-150 बच्चे यहाँ अपना भविष्य आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जो आगे घाटी दिख रही है वो उस साइड वो नेपाल तरफ का है, इस साइड इंडिया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंचायत घर, यहाँ गाँव वालों की सुनवाई होती है। जो आगे पे दिख रहा है वो बोरा गांव का फील्ड, वहाँ पर हमने कई टूर्नामेंट जीते हैं क्रिकेट। तो ये है पंचायत घर, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बहुत थकान महसूस हो रही है, यहाँ गांव वालों की जो समस्याएं होती है यहाँ सुनी जाती है। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है किराना की, और यहाँ पे चित्रकारी का ज़बरदस्त नज़ारा भी पेश किया गया है। यहाँ पे इसको बनाने वाले वो हैं। तो यहाँ पे कैरम का गेम भी खेला जा रहा है, 4 आदमी हैं, देखने वाले भी हैं बहुत सारे। तो ये हैं वही भाई जी हैं, ये है जिन्होंने, ये वही भाई जी जिन्होंने इस चित्र को अंजाम दिया। तो देखिए चित्र बहुत ही ज़बरदस्त चित्र इनके द्वारा बनाया गया है, क्या कला है, वाह। चलो अब आगे चलते हैं, आगे की शूटिंग करते हैं। छुटकन तो ये जो नीचे दिख रही हो रोड है, सामने वाला वो नेपाल है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं स्कूल की तरफ, पहुंचने वाले हैं अभी। तो यहाँ बहुत ही रास्ते के इधर उधर जो नज़ारा दिख रहा है यहाँ, मतलब ये वृक्ष लगा रखे हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ ही कर लो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ पे। ये कमल का फूल है, दानीदान नामक स्थान पे पहुँचे हम। ये तो आड़ू का पेड़ है, ये अमरूद का, पहाड़ों में ये पेड़ है जिसके लगभग आजकल सभी बहुत मायने में भांग, जिसे चरस, इसको
ऐसे ऐसे करके चरस निकाला जाता है, चरस भांग। और वो बोरा गांव, वहाँ ऊपर दुआ मारा है, क्या क्या बोलते हैं वहाँ, एक RR राष्ट्रीय राइफल रहती है वहाँ, जो सिग्नल RR मतलब देश की सेवा में, ऊपर जो टॉप दिख रहा है, ऊपर ऊपर सबसे टॉप वहाँ आर्मी है रहती है। तो अब ये जो उधर दिख रहे हो वहाँ, उनके बीच में एक राजकीय इंटर कॉलेज रहती है, तो यहीं पे ये बगल में ये ऊपर जो दिख रहे हो वहाँ पे, इनके बीच में राजकीय इंटर कॉलेज रहती है। ये दानीधार पहुँचे हम, लगभग 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम आपके लिए वीडियो बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच आए हैं। तो आज आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं दर्शकों, एक घर है, घर के बगल में यहीं से निकलने वाला पानी है, वो रोपाड़ बोलते हैं उसे, इस साइड नेपाल। दुकान पे पहुँचे हाँ, वो घर है, वो बढ़िया भाई, वो बढ़िया। और करिश्मा, ए करिश्मा, ए नीचे बोरा गांव भोल क्षेत्र स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज रांची। तो यहाँ से ऊपर जो गेट दिख रहा है वो राजकीय इंटर कॉलेज रांची का गेट है। तो चलो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं आज ब्लॉग।